उधर दिल्ली के राजौरी गार्डन से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मामूली विवाद में एक कार सवार ने हरविंदर कौरी नाम के आदमी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो बोनट पर गिर गए। फिर वो कार सवार आरोपी उन्हें बोनट पर लटका कर सड़क पर कार को दौड़ाता रहा और वो बोनट पर लटके हरविंदर कोहली समेत अपनी कार को करीब आधा किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। बताया गया कि हॉर्न बजाने की बात पर आरोपी कार सवार और एक आदमी के बीच झगड़ा हो गया था। इस दौरान हरविंदर कोहली वहां बीच बचाव करने पहुंचे, जिससे कार सवार को गुस्सा आ गया और उसने पहले तो उन्हें टक्कर मारी, फिर उनके बोनट पर गिरते ही गाड़ी चालू कर दी और उसी हालत में कार को घुमाता रहा। मैंने उसका वाइपर और बोनट पकड़ लिया और वो यहाँ से 70-80 की स्पीड पे मेरे को 400-500 मीटर दूर तक घसीटता हुआ ले गया। हरविंदर कोहली की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चीन की घुसपैठ की कोशिशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। चेन्नई में एक कार्यक्रम में एस जयशंकर ने कहा कि चीन उत्तरी सीमाओं पर भारी संख्या में सैनिक भेजकर यथास्थिति को बदलने का प्रयास करता है, लेकिन मुश्किल हालात में तैनात हमारे सैनिकों ने सीमाओं की रक्षा की। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने दिखा दिया है कि देश किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। जयशंकर ने 2019 की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए बेहद जरूरी संदेश दिया गया था। ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर्स चाइना इज टुडे सीकिंग टू चेंज द स्टेटस को बाय ब्रिंगिंग लार्ज फोर्सेस इन वायलेशन ऑफ आवर एग्रीमेंट्स। दीस ट्रूप्स डिप्लॉयड इन द थाउजेंड्स safeguard our frontiers in the most extreme terrain and the harshest weather, and it continues to this day. उधर राजस्थान के नागौर में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने की वजह से कुछ लोग बाल बाल बच गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अपनी तरफ उस बेकाबू ट्रक को आते हुए देख लोग जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हालांकि वहां खड़ी गाड़ियां ट्रक की चपेट में आ गई। ट्रक पहले तो सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों से टकराया और फिर वो वहाँ एक पोल से टकरा गया। टक्कर के वक्त उस ट्रक की रफ्तार कितनी तेज रही होगी, इसका अंदाजा इन गाड़ियों की हालत से लगाया जा सकता है। किसी गाड़ी के आगे वाला हिस्सा टक्कर से टूट गया तो किसी गाड़ी का पिछला हिस्सा बर्बाद हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ट्रक में कोई मौजूद नहीं था और उसमें कोई ड्राइवर भी नहीं था। आके यहाँ दो तीन गाड़ियाँ थी, उसके टक्कर मारती थी। बताया गया कि तेज रफ्तार होने की वजह से ट्रक ड्राइवर के काबू से बाहर हो गया, जिसके बाद ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से कूद गया और ट्रक करीब 200 मीटर तक बेकाबू होकर सड़क पर दौड़ता रहा। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा की। इस मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। दरअसल गोरखनाथ मंदिर में प्रसिद्ध खिचड़ी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं। मेले की तैयारियों पर खुद मुख्यमंत्री की नजर है। देर रात सीएम योगी ने मेला परिसर में तैयारियों का निरीक्षण किया, एक एक व्यवस्था देखी और व्यवस्था की बेहतरी के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति है। जगत पिता सूर्य की उपासना का पर्व पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में यह पर्व मनाया जाता है। प्रकृति पूजा का एक और उसके साथ तारतम्य स्थापित करने का एक अद्भुत आयोजन